Hey guys, this is Omar and welcome back to my channel. Guys, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे tubeless punctures के बारे में. Guys, tyres तो puncture अक्सर होते रहते हैं और अगर वही puncture आपका गलत तरीके से बन गया तो आपका tyre भी ख़राब हो सकता है और ऐसा होता भी है. अगर आपका puncture गलत तरीके से बना है तो आपके अच्छे नए tyre भी ख़राब हो जाते हैं. तो guys, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे tubeless puncture बनाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है. ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, शायद किसी को पता होगा भी लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता. तो ये वीडियो आप एंड तक देखो और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में जो टेम्पलग्स है, नॉर्मली आपने इसी तरह से पंक्चर बनाते हुए देखा होगा. ये देखो, ये टायर में ये पंक्चर है और नॉर्मली हम इसी तरह इसी जगह पे होल करके ये टेम्पलग डाल देते हैं. ये एक नॉर्मल तरीका है. लेकिन गाइस, आज के इस वीडियो में हम पंक्चर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे. गाइस, मेरे हाथ में जो पैच है उसको मशरूम पैच बोलते हैं. गाइस, नॉर्मली जो हम पंक्चर बनाते हैं उसको ऊपर से प्लग करते हैं, इसको अंदर से प्लग करेंगे और ये पंक्चर बनाने के बाद पंक्चर के ऊपर जो पंक्चर का कंप्लेन आता है कस्टमर्स का, वो नहीं आएगा. आपके टायर में जो प्रॉब्लम आता है कि एक बार पंक्चर बन गया फिर आपको दोबारा उसी तरह उसी जगह पे पंक्चर का लीकेज का प्रॉब्लम आता है और उस पर दोबारा पंक्चर आप बनाते तो आपके टायर ख़राब हो जाते हैं. तो गाइस, ये पंक्चर में ये जब आप मशरूम पैच अंदर प्लग कर दोगे तो फिर से लीकेज का प्रॉब्लम आता ही नहीं है. 99.99% इसमें फिर से लीकेज होता ही नहीं है. तो गाइस, देखते हैं हम इसको पंक्चर कैसे बनाया जाता है. तो जस्ट स्टे ऑन द वीडियो.